हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास ट्वेल्थ का। और क्लास ट्वेल्थ में हम लोग जो लेसन आज स्टडी करेंगे वो आज का जो लेसन है वो लेसन नंबर 4 है, जिसका नेम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको लेसन 3 का लास्ट टॉपिक बताया था, याद होगा आप लोगों को, आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। और टॉपिक जो था वो था आपका पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। उसके बाद वो लेसन कंप्लीट हो गया था। आप एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा और जो भी प्रॉब्लम होगा मुझे कमेंट करिएगा, मैं उस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ओके, तो इसी आशा के साथ कि आप मेरे वीडियो को देख रहे होंगे और आपको सभी टॉपिक कंफर्म हो रहा होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं जो हमारा लेसन है उसका नेम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लेसन को आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन किया जाए, इसको जाना जाए कि व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को जानने से पहले हेल्थ के बारे में आप जानते ही हो, आपको लोअर क्लास में बताया गया है हेल्थ क्या होता है। तो एनी पर्सन फिजिकली मेंटली एंड सोशली वेल होता है तो वो आपका क्या कहलाता है, हेल्दी पर्सन कहलाता है, और उसी को हम हेल्थ के कैटेगरी में रखते हैं। बट लेसन जो हमारा है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का रिलेशन जो है और सिंप्लीफाइड अगर हम कहें तो इसका रिलेशन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, क्योंकि आपको 3rd लेसन में मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जरूर बताया है। आप लोग को याद होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी ऑर्गन आते हैं जब वो हेल्दी होते हैं प्रॉपर फंक्शन करते रहते हैं तो उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे किसमें इंक्लूड किया जाता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तो अगर कोई पूछ दे सिंपली व्हाट डू यू मींस अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो आप बताएंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ देयर नॉर्मल फंक्शन। तो हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उसके नॉर्मल फंक्शन के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम किसमें इंक्लूड करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो क्या बताओगे, सिंप्लीफाइड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बता सकते हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ किससे रिलेटेड है बेटा, हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विथ देयर नॉर्मल फंक्शन और उसके नॉर्मल फंक्शन से। तो बता सकते हो कि व्हेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज हेल्दी एंड डू नॉर्मल फंक्शन, दिस स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो कई डिफिनेशन आप बता सकते हो। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो आप बताओगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड नॉर्मल फंक्शन। अगर कोई पूछता है तो बेटा आप अच्छे से बता लेना, आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो संबंध होता है किससे होता है कि जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मेल और फीमेल में प्रेजेंट होते हैं, जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो सभी क्या हो, हेल्दी हो और साथ में वो नॉर्मल फंक्शन करते हो,
तो उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं, जानते हैं, तो हमारा किससे रिलेटेड होता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपके एनसीईआरटी ने एक और डिफिनीशन बनाया है, और वो डिफिनीशन जो है आप देख सकते हो, दिस डिफिनीशन इज रिलेटेड टू WHO। आपको मालूम है, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपको मालूम ही है फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ? तो बताया गया टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टोटल वेलबींग, पूरी तरह से सही रहना, पूरी तरह से सही होना, इन ऑल एस्पेक्ट, सभी पहलू से ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो करने वाले पर्सन है, जिन्हें रिप्रोडक्शन होता है, वो सभी पहलू से क्या हो, वेलबींग हो। और वो सभी पहलू क्या है यार, तो आपके बुक ने लिखा है, आप देख सकते हो फिजिकली, आप देख सकते हो इमोशनल, फिजिकल इमोशनल देख रहे होंगे आप लोग, इसके बाद आपका बिहेवियरल एंड सोशल, ये सभी पहलू से अगर सब कुछ ठीक है तो दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो मैं लिख दे रहा हूं कि आप अकॉर्डिंग टू WHO बोल रहा है, तो एनसीईआरटी में लिखा है अकॉर्डिंग टू WHO टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन लाइक एज फिजिकल इमोशनल इसके बाद क्लियर हो जाएगा बेटा, फिजिकल आपका हो जाएगा इमोशनल, बिहेवियोरल एंड सोशल। तो बता रहा है कि जब आप पूरी तरह से ये जो फोर एस्पेक्ट्स है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, अगर इनसे आप वेल बीइंग होते हो तो वो किससे रिलेटेड होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड होता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है? तो बता रहे फिजिकल रिलेटेड टू ऑल द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऑल द बॉडी ऑर्गन ऑफ अ पर्सन इज हेल्दी एंड डू वेल फंक्शन। अगर सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सभी बॉडी के पार्ट्स विथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से यहां रिलेशन है इसलिए ऐसा बोल रहा हूं, तो सभी बॉडी के पार्ट्स जब हेल्दी होंगे तो उसके साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो बॉडी का ही पार्ट्स है वो भी हेल्दी होगा। दैट मीन्स अगर आप फिजिकली फिट हैं तो इसका मतलब कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी फिट होंगे, तो उससे रिलेटेड है आपके पहला है एस्पेक्ट की, अगर आप फिजिकली फिट है तो उसके साथ आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा वो भी फिट होगा और वो प्रॉपर फंक्शन करेगा, एक नॉर्मल लेवल पर फंक्शन करेगा। ये बातें बताई गई है एज ए फिजिकल। इमोशनल का रिलेशन क्या होता है, आप जानते ही हो कि शादियां होना एक हमारे सोसाइटी का एक तरीके से रूल है, या कहें तो आप सभी लोग
समझ ही रहे होंगे, शादियां जो होता है एक दो लोगों के बीच का एक संबंध बनता है और वो संबंध जो होता है उस संबंध को आगे तक इस्टेब्लिश रखने के लिए, इमोशनली बने रहने के लिए आपका जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका वेलबींग होना, क्योंकि शादियों का रिलेशन के मिलने के साथ साथ आपका दो लोगों के मिलने के साथ साथ उनसे एक फैमिली का फॉर्मेशन होना, ये भी रिलेशन होता है, ये एक इमोशनल होता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं बेटा इमोशनल से, ठीक ना। और इसका इमोशनल से ये भी रिलेटेड है कि कोई इमोशनली आपको परेशान न करे या उसके इमोशन में आप चले न जाएं। उससे बचने का जो, अगर आप बच जाते हो उससे बचे रहते हो तो ये भी आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत आता है। तो दोनों रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, एक है आपका जो मैरिज के रिलेटेड मैंने बताया और एक जो है एज अ यंग एज में जो गलतियां हो जाती है इमोशनली ब्लैकमेल जिसे हम बोलते हैं उससे आप अगर बचते हो, उससे बच सकते हो जब आप, आपको ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लेसन का सभी टॉपिक अच्छे से जब आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये गलतियां आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव हो सकती हैं इन फ्यूचर, तो इससे आपको बचना होगा। तो इसलिए जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सेकेंड पहलू कह रहा है वो इमोशनल से रिलेशन रख रहा है। ओके बेटा, इसके बाद आपका बिहेवियोरल, बिहेवियोरल तो आज के डे में बहुत ही जरूरी है, बिहेवियोरल वेल होना आज के डेट में बहुत ही जरूरी है। आप देख सकते हो ये जो लोग यंग एज की जो गर्ल्स हैं या 60 इयर्स ओल्ड के जो वुमेन हैं उनके साथ जो ये रिप्रोडक्शन का जो आपका रेप केसेस हो जा रहे हैं, ये सभी से अगर कोई पर्सन इस सभी से बचता है या उसके माइंड में ये सब प्रॉब्लम नहीं आते हैं, वो ये सब नहीं सोचता है, तो इसका मतलब कि वो बिहेवियर सही है। मतलब ये है कि जिस तरीके से वो अपने मदर और सिस्टर से बिहेवियर रखता है, जिस तरीके से मदर और सिस्टर को ट्रीट करता है, वैसे ही अपने सोसाइटी में रहने वाले जो वुमेन हैं, यंग एज की गर्ल्स हैं, उनको भी वो अगर अच्छे से ट्रीट करता है तो वो भी रिलेशन आपका किससे होता है बेटा, वो भी रिलेशन आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से होता है, याद रखना। और अगर ऐसा होता है, अगर कोई पर्सन फिजिकली फिट है, इमोशनली वेलबींग है, बिहेवियोरल भी अच्छा है, तो आप समझ सकते हो यार कि एक अच्छे सोसाइटी का फॉर्मेशन होगा और उस सोसाइटी के जो बेबी बॉर्न करेंगे वो भी अच्छे होंगे और साथ में हेल्दी होने के साथ इन सभी जो एस्पेक्ट हैं इनको वो समझेंगे, जानेंगे, जिससे एक हेल्दी सोसाइटी का फॉर्मेशन होगा। और यही हेल्दी सोसाइटी को फॉर्मेशन करने के लिए इन फोर एस्पेक्ट को समझना, जानना आपके लिए बहुत ही नेसेसरी है। इसीलिए WHO ये बताता है कि अगर कोई रिप्रोडक्शन से वेलबींग है, रिप्रोडक्शन के सभी पहलुओं से वेलबींग है, तो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं क्या कह दिया? तो फिजिकल भी फिट होना, इमोशनल भी वेलबींग होना, फिट होना, इसके बाद बिहेवियरल भी अच्छे से होना, वेलबींग होना, और साथ में सोशली वेलबींग होना, ये जो कंडीशन है, अगर इससे आप सही हो तो मेरे कंसेप्ट को आपको समझ में आया होगा मैं कहना क्या चाहता हूं, और यही रिप्रोडक्टिव हेल्थ को शो करता है। तो कोई भी आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो, जैसे NCERT ने लिखा है, इस ए सोसाइटी ऑफ पीपुल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल, बताया है NCERT ने लिखा है,
आप देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, अ सोसाइटी ऑफ पीपुल, एक सोसाइटी जो लोगों का है, जिसमें रहने वाले लोग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं, उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉर्मल होता है, दैट मींस नॉर्मल होने का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉर्मल होने का मतलब कि नॉर्मल फंक्शन करता है बेटा, ये मैं कहना चाहता हूं आपसे, ठीक ना, वो फिजिकली फिट है और नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उनके फंक्शन करते हैं, उसके साथ साथ नॉर्मल इमोशनल, लिखा है सबको, नॉर्मल इमोशनल एंड बिहेवियरल बिहेवियरल इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ सेक्स रिलेटेड, इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ सेक्स रिलेटेड दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव हेल्थी। समझ में आ गया मैंने क्या बोल दिया, आप समझ गए होंगे। अगर एक सोसाइटी के लोग हैं और उनके पास जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मतलब वो फिजिकली फिट है और उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉर्मल फंक्शन करता है, साथ में वो इमोशनली नॉर्मल है और नॉर्मल इमोशनली होने के साथ साथ उनका बिहेवियर भी सेक्स रिलेटेड सही है, तो ये सभी बातें आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इंक्लूड की जाती हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं बेटा। तो इस तरीके से आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो इंट्रोडक्शन था, एज ए इंट्रोडक्शन ही मैं बोलूं तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके बाद हम लोग फर्स्ट टॉपिक इसका डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है आपका, आप देख सकते हैं, प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी। प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेशन एक नेक्स्ट टॉपिक है, प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि अभी तक जितना भी मैंने आपको बताया वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का रिलेशन किससे अब शो कर रहा है, प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी। तो इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, इसको इरेज करने के बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक को आपको बता दे रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक क्या चल रहा है आपका, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके साथ आपका है प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजी। तो ये है आपका, बता सकते हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उसके साथ है प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। क्लियर रखना बेटा, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूं। ओके, तो ये सभी बातों को हम जानेंगे। तो प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम के साथ साथ सबसे पहले हमारी कंट्री ने क्या करना, हमारी कंट्री अक्सर लोग कहते हैं कि बहुत पीछे है। बहुत पीछे का मतलब क्या, बहुत सारी जितनी भी डिस्कवरियां होती हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं अदर कंट्री में पहले स्टार्ट होते हैं और उसके बाद हमारे कंट्री में उसको फॉलो किया जाता है। बट याद रखना एक बात, हमेशा हमारी कंट्री एक एक्शन प्लान में, एक प्रोग्राम में बहुत ही आगे है, दैट मीन्स शुरुआत उसने ही किया, जिस जो हमारी कंट्री वो था फैमिली प्लानिंग। बेटा फैमिली प्लानिंग जिसकी शुरुआत हमारी कंट्री ने किया है सबसे पहले, याद रखना। मैं समझ रहा हूं कि आपको क्लियरली बात मेरी समझ में आ गई होगी। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग को टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजी।
प्रॉब्लम्स को आप सभी लोग जानते हैं, ये हमारी कंट्री की बढ़ती हुई पॉपुलेशन, इसको हम लोग बात करेंगे, प्रॉब्लम्स को बात करेंगे, लेकिन पहले एनसीईआरटी ने स्ट्रैटेजी बताई है, स्ट्रैटेजी, और जो स्ट्रैटेजी है उसका नेम है फैमिली प्लानिंग, जिसकी शुरुआत सबसे पहले हमारी कंट्री ने की थी। ये याद रखना, फैमिली प्लानिंग हमारी कंट्री का है एक्शन प्लान, जो शुरू किया गया था पहले हमारी कंट्री में, और टाइमिंग जो था बेटा वो था 1951। ये अच्छे से याद रखना, अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है या वनडे एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप अच्छे से बताओगे कि सबसे पहले फैमिली प्लानिंग जो एक प्रोग्राम है इसको सबसे पहले किसने शुरू किया था, तो बताओगे आवर कंट्री इंडिया, हमारी कंट्री इंडिया ने सबसे पहले इस प्रोग्राम को शुरू किया था और टाइमिंग था 1951। और यह फैमिली प्लानिंग जो है इसको ब्रॉड लेवल में किया गया एक और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और जो ऑर्गेनाइजेशन जो था उसका नेम रिलेटेड है आपका RCH। तो आप बताओगे, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं फैमिली प्लानिंग, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं फैमिली प्लानिंग फर्स्टली हमारी कंट्री में स्टार्ट हुआ था, और कब हुआ था 1951 में, और इसको और ज्यादा ब्रॉड लेवल में जो किया गया इसको, वो आपके एक और ऑर्गेनाइजेशन, एक और रिलेशन है जिसका नेम है RCH, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इसका फुल फॉर्म है आपका, बता सकते हो, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसको याद रखना बेटा, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी सभी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो मैं यहीं पर अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में आपको RCH के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।